वीर संवत 2504 श्रावण वत सातम शुक्रवार तारीख 25/8/78 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नु श्री समयसार शास्त्र में गाथा 14 पर सुवर्णपुरी में प्रवचन श्री समयसार शास्त्र पर 19 वक्त ना संग प्रवचन नंबर 68। नमो नोय सौरियंताणम नमो नोय सौदानम नमो नोय सौरियान नमो नोय सौजयानम नमो नुवि सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगल नमः सुमरिस्ताराय स्वानुभूत्या चास्ते चित स्वाय भवाय सर्वान त्रिकाल निरुद्ध निदाता समय सार 14वीं गाथा पहला है कहा कि आत्मा जो है अबद्ध है, राग के साथ बंध जो नित्य है ये पर्याय नहीं का व्यवहार नहीं का विषय है। ये अंदर स्वरूप है तो अबद्ध है, निरावरण अखंड एक अविनाशी परम परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य ये एक रूप वस्तु है, ये अबद्ध है। उसके ऊपर दृष्टि लगाना उसका नाम सम्यक दर्शन है। आज बोल तो क्रमे समझाएगा, यहां पांच बोल क्रम नहीं पड़ते। क्या किया पांच बोल अबद्ध स्पष्ट अनन्यम नियतम अविशेषण असंयुक्तम, ये पांच बोल को क्रम से समझाते हैं। पर जब अंदर सम्यक दर्शन होता है तब एक साथ ही पांच का अभाव अबद्ध का भी अभाव होता है। कर्म का संबंध बंद अनेरी अनेरी गति जो मार्ग के आदि दिखते हैं ये भी अंतर महाबद्ध दृष्टि दृष्टि होते हैं, सब अनेकपणा का अभूतार्थ होता है। और एक स्वरूप ऊपर दृष्टि देने से ये निश्चय भूतार्थ है। हाँ अभी बातों से एक पहला अबद्ध ने दृष्टांत दिया कमलिनी का, दूसरा माटी का दृष्टांत। माटी में जो घड़ा झाड़ी आदि होती है पर्याय वो है, पर माटी का स्वभाव एक रूप देखने से ये पर्याय सब अभूतार्थ है। ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत है। उसी प्रकार आत्मा का भगवान आत्मा विनायक स्वरूप ध्रुव, उसका नारक आदि पर्याय से अनुभव करने पर गति नरक है, मनुष्य है, देव है, तियंच है, ऐसी गति की पर्याय से देखो तो अनेकपना दिखते हैं। पर्याय नहीं का विषय ये है, पर उसने देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। नारक आदि पर्यायों से अनुभव शब्द जानन करने से अनुभव इटली ज्ञान जानना, जानन करने पर पर्याय उसे अन्य रूप है, नरक गति, तेंद गति, मनुष्य गति, देव गति अन्य है, ये अपेक्षाएं सत्य है। तथापि तो पण सर्वत्र स्खलित भगवान न्यायक ध्रुव स्वरूप अपना स्वभाव से गति में स्खलित नहीं हुआ है। आ, 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 आ।
त्रिकाल चिरा निरावण भगवान आत्मा ये इतना स्वभाव से कभी स्खलित गति आदि में नहीं आया है। समझ में आया सूक्ष्म है भाई, ये बात करना बोलना वो दूसरी चीज है। नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रिनेत्र गति, इकेंद्री बहेंद्री त्रिनेत्री पर्याय नहीं देखो तो अनेक पड़ा है। वो तो वर्तमान एक अंश की दृष्टि से देखने से व्यवहार नहीं थी, पर व्यवहार नहीं, पर वो बात टिकाव सच नहीं। ये चीज आत्मा में टिकाव टिक सके ऐसी चीज नहीं। भगवान आत्मा अपना सर्वत्र स्खलित चिद घन ध्रुव ज्ञायक भाव, ये अपना स्वभाव से क्या ही स्खलित कोई गति में आया नहीं। समझ में आया। सर्व पर्यायी भेदों में किंचित मात्र भेद गुणों से वस्तु जो द्रव्य स्वभाव है नरक गति आदि में किंचित भी अनित्व नहीं हुआ है। तो पर्याय में अनित्व है। सूक्ष्म विषय सम्यक दर्शन और उसका विषय सम्यक दर्शन ये निर्विकल्प दृष्टि है, उसका विषय सर्वत्र अस्खलित चिद घन ध्रुव स्वभाव जो कभी अपना स्वभाव में से गति के पर्याय में आया नहीं, ऐसी चीज जो है सर्व पर्याय भेद से किंचित मात्र भेद न होने से नरक गति मनुष्य गति आदि हुई, अपना तिकारी विनायक स्वभाव से किंचित भी गति में भेद रूप नहीं हुआ। आ चीज है जी, समझना कठिन पड़े, उसकी प्राप्ति करना अल्पो पुरुषार्थ है भाई। एज कर्तव्य है प्रथम तो मैं सर्व अस्खलित सर्व पर्यायों में अस्खलित नर्थ किया, किंचित मात्र पण अन्य रूप से नहीं हुआ। अन्यत्व भूता किंचित मात्र भेद रूप न होना। गति एटले आ मनुष्य शरीर नहीं, अंदर मनुष्य की गति का बोले जो गतिपना है नाम कर्म का निमित्त है न गतिपना जो है, ये पर्याय में विनायक भाव तिकारी शुद्ध चैतन जो सम्यक दर्शन का विषय ये अपना स्वभाव में से अस्खलितपना कभी गति की पर्याय में आया नहीं। कितना कहते हैं कि मनुष्य की गति हो तो केवल ज्ञान होते हैं, मनुष्य गति में केवल ज्ञान होता है, पर ये बात झूठी है। अपना एकला ज्ञायक ध्रुव स्खलित जो गति की कोई गति की पर्याय में ध्रुव ज्ञायक स्वभाव आया नहीं, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और उसका आश्रय से चारित्र होता है और उसका आश्रय से केवल ज्ञान होता है। कोई संगण है मनुष्यपणा से संघ केवल ज्ञान होता है ऐसा है नहीं। समझ में आया।
सत्य वस्तु बहु दुर्लभ है बापू। सर्वत्र अस्खलित चार गति में से एकंद्री बेंद्री त्रणंद्री चौंद्री पचंद्री मनुष्य देव नुनादि पर्याय में आया पर उधर वस्तु स्वभाव पर्याय में कभी आया नहीं। एक ध्रुव स्वरूप एक रूप सदृश स्वरूप नित्यानंद प्रभु अपना स्वभाव मां से किंचित मात्र गति में स्खलित नहीं हुआ है। समझ में आया? वो एक चैतन आकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर क्या कहते हैं गति की पर्याय का समीप जाकर वो पर्याय का ज्ञान होता है मिथ्या मैं हूं ये मिथ्या दृष्टि है। तो पर्याय गति के पर्याय है उसकी समीप के दूर होकर पर्याय बुद्धि में से निकलकर आत्मा जो विनायक चैतन्य आनंद कंद प्रभु है उसके समीप जाकर अनुभव करने पर त्रिकाली विनायक भाव का समीप नाम दृष्टि करने से उसका स्वीकार ने सत्कार करने से उसका अनुभव करने से अन्यत्व अभूतार्थ है। ये अनेरी अनेरी गति जो पर्याय है ये झूठा है। पर्याय पर्याय तरीके है पर स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षाएं पर्याय झूठी है। झूठी है नाम पर्याय नहीं थी ऐसा नहीं है तो खरी पर वो व्यवहार नहीं का खंड खंड का ज्ञान करने का विषय है। और भगवान आत्मा विनायक अस्खलित चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चीज ये अभेद ऊपर दृष्टि करने से ये पर्याय का भेद ही जुटा है। भेद ही दृष्टि का विषय नहीं तो पर्याय गौण करके उसका जूठा के लिया है। जीनीवाद भाई धर्म चीज कोई अलौकिक है बराबर। ये पर्याय की दृष्टि से द्रव्य दृष्टि नहीं होती। पर्याय का वक्ष से द्रव्य दृष्टि नहीं होती। वही अपेक्षा से द्रव्य नाम नायक चिदानंद स्वरूप उसका समीप जाकर नाम उसका सत्कार स्वीकार करने से और त्रिकाली विनायक भाव का सन्मुख होने से अनुभव करने पर ये पर्याय का भेद गौण हो गया तो अभूतार्थ है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये पीछे भेद ज्ञान में दर्शन हुआ उसके साथ जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान स्व को ही जानते हैं पर्याय का भेद को जानते हैं। जानने में दो है पीछे पर सम्यक दर्शन में दो दृष्टि का विषय में नहीं। सारी बात आई से भाई समझ में आया। ये आत्मा स्व चैतन्य आकार एक चैतन्य आकार एक चैतन्य स्वरूप स्वभाव एक चैतन्य स्वभाव रूप आत्म स्वभाव अथवा चैतन्य स्वरूप रूप आत्म स्वभाव एक समीप जाने कर अनुभव करने पर ये अन्यत्व झूठा है।
अनेरा अनेरा अपने झूठा है, भगवान तो अनन है, अनित्व अनित्व में आता नहीं। समझ में आया? गति आदि की पर्याय अनित्व अनित्व है, उसमें अनन्य प्रभु अनित्व में आता नहीं। अरे यार सुन से आवाज के अत्यारे मूल चीज ने मूल चीज का विषय बात आखी जाने फिरफार हो गया। आ करो न आ करो न आ करो न शास्त्र वाचो न शास्त्र भणो न भक्ति करो न पूजा करो न व्रत करो न तप करो। भाई तने खबर नहीं प्रभु, ये बड़ी क्रिया नो विकल्प है, ये तो राग है, अने राग से प्रभु तो अबंध है, राग से संबंध नाम बंध नहीं। स्वभाव में राग का संबंध संबंध कौन सा समझ में आया? क्या किया कि भगवान विनायक स्वभाव ही एक रूप चैतन्य स्वरूप आत्म स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से गति जी अन्य है वो उसमें नहीं, उसमें नहीं ये अपेक्षा से उसको असत्य अर्थ कहने में आया है। समझ में आया? पहले एक बार कहा था कि स्वद्रविणी अपेक्षा है अन्य द्रव्य अद्रव्य है। क्या क्या स्व आत्मा है स्वद्रव्य, स्वद्रव्य अपने पे है, परद्रव्य से है नहीं, और परद्रव्य परद्रव्य से है, अपने द्रव्य से है नहीं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? पहली चौभंगी सप्तभंगी में अपना द्रव्य की अपेक्षा से अपने में है, पर अपना द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव्य है। उसकी अपेक्षा से द्रव्य है, पर आ द्रव्य की अपेक्षा अद्रव्य है। और आ क्षेत्र की असंग प्रदेशी भगवान आत्मा इस स्वक्षेत्र की अपेक्षा से अपने है, अपना अपेक्षा से दूसरा का असंग प्रदेशी क्षेत्र जीव का और परमाणु का एक प्रदेशी क्षेत्र ये अक्षेत्र है। क्यों आकाश पर स्वक्षेत्र ने अपेक्षा अक्षेत्र है। आगे बातों से बापू सुन था है वस्तु की स्थिति है। आकाश तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बड़ा क्षेत्र है तो उसका में है उसे क्षेत्र ने अपेक्षा तो क्षेत्र है उसका क्षेत्र ने अपेक्षा क्षेत्र हो। समझ में आया बात बापा? भगवान तेरी चीज ऐसी कोई है ये यानी लीला। पर्याय में अनेकता दिखते हैं पर वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं। एम कालनी अपेक्षा से अपनी पर्याय का स्वकाल की अपेक्षा अपना अपने में है, अपनी पर्याय का स्वकाल की अपेक्षा दूसरी पर्याय का काल परकाल है। और इसे सूक्ष्म ले जाए तो त्रिकाली नायक भाव इस प्रकार की अपेक्षा अपना है, अपनी पर्याय की अपेक्षा एक प्रकार है अपने में नहीं। समझ में आया? ये क्या कहते हैं कि प्रकार जो गति आदि है ओ अपना देव स्वभाव की अपेक्षा से ये है नहीं, उसकी अपेक्षा से वह है। जैन दर्शन बापा सूक्ष्म बहु भाई, ये कोई पंडित है ना विद्वान नो विषय नहीं,
ये तो अंत दृष्टि ना विषय है। त्रियंश हजार सूजन ना मत भी सम्यक दर्शन पाते हैं, क्या जान पड़ा दिया। अस्खलित चैतन्य ज्ञायक ध्रुव स्वभाव, उसका दृष्टि करने से ये सत्य है माने पर्याय है, ये अपेक्षा से असत्य है। उसकी अपेक्षा सत्य है, अपना ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा असत्य है। जैसे भाव, अपना भाव जो है अनंत गुण रूप भाव, ये अपेक्षा अपनी अपेक्षा सत्य है। अने दूसरा जो अनंत सिद्ध होगा उसका भाव केवल ज्ञान आदि अंदर गुण भाव, अपना भाव की अपेक्षा ये अभाव है। समझ में आया? ऐसे न्यायिक भाव की दृष्टि अंदर करने से ये सत्यार्थ ये है, और पर्याय भेद जितना गर्त आदि का है ये सत्यार्थ है। आम से प्रभु शू खाए बापू, मार्ग बहु फरी गो प्रभु शू करे। भगवान ना विरह पड़िया, केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, लोको ये स्वच्छंद मार्ग चलाया। मार्ग रही गो अंदर वस्तु में, पर उसको एकांत मानते हैं। एकांत है आएगा, सम्यक एकांत ही है, ये पांचवा बोल में आएगा। हाँ तो जी दूसरा बोल करते हैं, ये दो बोल हुआ, और तीसरा बोल। जैसे समुद्र का वृद्धियानी रूप अवस्था भरती ओठ, हमारी भाषा के बाढ़ ने, बाढ़ ज्वार ये वृद्धि अपेक्षा से हानि अपेक्षा से अनुभव करने पर, ज्ञान करने पर अनियतपणा भूतार्थ है। ये छह भरती ओठ हम होता है, बाढ़ आती है घट जाते हैं, ये पर्याय की अपेक्षा इस समुद्र में ये है। तथापि नित्य थीर समुद्र स्वभाव, ध्रुव स्वभाव समुद्र एक रूप रहने वाला, जेमा भरती बाढ़ ने हानि है नहीं, ऐसा समुद्र की एक एक रूप चीज को दिखने से अनुभव करने पर अनियतता झूठा है। इस समुद्र में जो बाढ़ आती है घट जाती है सब झूठा है। त्रिकाल की समुद्र नहीं सामान्य स्वभाव ने अपेक्षा से वो बाढ़ आदि सब झूठी बात है। समझ में आया? अरे आवी बात पूछे। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, अबे आत्मा में आत्मा का वृद्धि अनिरूप पर्याय वेदों से अनुभव करने पर पर्याय में अनंत गुणी पर्याय विषेद होती है और घट जाती है, ऐसा अक्षर ने अनंत में भाग्य पर्याय हो जाती है निगोद में, केवल ज्ञान पर्याय सर्वज्ञों को पूर्ति है। ऐसी पर्याय भेदों से देखो तो अनियतता है खरी, अनियत नाम अनिश्चय वस्तु है खरी पर्याय दृष्टि से। हवे तथापि नित्य थीर, नित्य नो अर्थ थीर लिटी करिए ना ऐसा, थीर बिंब ध्रुव बिंब अनंत गुण राशि का पिंड प्रभु, उसका थीर निचल आत्म स्वभाव के समय बिजाने कर, निचल आत्म स्वभाव जो एक रूप पर्याय में आता नहीं, हानि वृद्धि रूप पर्याय जो होती है उसमें ये एक रूप दृढ़ आता नहीं। अक्षर ने अनंत में भागे पर्याय हो तो भी द्रव्य तो पूर्ण ही पड़ा है, और केवल ज्ञान के पर्याय हो तो भी द्रव्य तो पूरी पूर्णज है।
भैया इतनी बार आई तो यहाँ घट हो गई है, ऐसे है नहीं। हा केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में, ये भी एक समय की पर्याय है, पर्याय की मुदत तो एक समय की है, गुण न द्रव्य की मुदत टिकाव है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान तरंकाल तरण लोग को अपनी पर्याय जानने में वो जानने में आ जाता है, ऐसी ही पर्याय भी होने पर द्रव स्वभाव में कोई कमी हुई है, ऐसा है नहीं। बराबर, इतनी पर्याय बाहर आई न कमी नहीं अंदर, बापू ये कोई अलौकिक की चीज है। ये पर्याय इतनी ताकत वाली बार आई तो अंदर में से कुछ घट होगी कि नहीं। भगवान मार्ग तो बहु अलौकिक है भाई। ये द्रव्य स्वभाव एक रूप टिकाव है, एक है ना, भैया नित्य थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर नित्य थिर एक रूप है, चाहे तो केवल ज्ञान हुआ हो, चाहे तो अक्षर ने अंत में भागे हो, चाहे तो चार ज्ञान अवधि ज्ञान आदि हो, पर ये वस्तु तो उसमें आते ही नहीं। ये पर्याय में वस्तु जो टिकारी है ये आती नहीं। अने त्रिकाली न्यायिक स्वभाव का आश्रय करना, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की गाथा है। यात्रे तो कहीं देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, नव तत्व नी भेद नी श्रद्धा करो, समकी बापू तने खबर नहीं भाई, नव तत्व नी भेद वाली श्रद्धा का अनुभव तो मिथ्यात है, भेद वाली हो हम नव तत्व तो चार सूत्र में कहा है, त्यान एक एक वचन है, त्यान दो वचन नहीं है, तत्वार सूत्र में जीव जीव आसुर बंध मोक्ष का एक वचन है। इन नव का एक वचन भेद जानते हैं, समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि पर्याय में हिनाधिक दशा अंगुरु लघु के कारण है, पर्याय का धर्म के कारण पर्याय अधिक हो, सामान्य हो, थोड़ी हो, विशेष हो, ऐसा प्रकार हो पर्याय दृष्टि से, पर वस्तुनी दृष्टि से देखो भगवान एक रूप चैतन्य सूर्य भगवान चैतन्य समुद्र पड़ा है अंदर। जैमे समुद्र में पर्याय का बाढ़ भरती वरती है ही नहीं, ऐसे भगवान में आप पर्याय हिनाधि के पर्याय अंदर में है नहीं, और हिनाधिक पर्याय में आत्मा आता नहीं। आओ बात है भाई, अरे आओ मनुष्य भोग मिलो, एम आज न किया तो हूँ तारू शू थे भाई। चौराशी लाख योनि ना अवतार नाथ, ये दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन बिना ही हुआ सब। ये सम्यक दर्शन पर्याय को नहीं स्वीकारती है। सम्यक दर्शन तिकारी न्यायिक भाव को ही स्वीकार करती है। समझाए मुझे प्रभु, भाषा तो सादी है, भाव तो जे है। कहते हैं कि पर्याय चाहे तो केवल ज्ञान हो, चाहे तो मति का ज्ञान ना सूतना अक्षर भाग हो, वेद ने अपेक्षा पर्याय की दृष्टि से पर्याय है। वो तो जानने लायक इतना आदरने लायक क्या चीज है। तिकारी स्वरूप
केवल ज्ञान पर्याय भी आदरने लायक नहीं, ये सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है। अरे अरे अरे, केवल ज्ञान ही निश्चय नहीं का विषय नहीं, निश्चय नहीं का विषय तो ध्रुव त्रिशाली ज्ञान होती है विषय उसका है। पंडित जी और ये पर्याय में द्रव्य आया ही नहीं कभी, ऐसा द्रव्य स्वभाव स्खलित ऊपर दृष्टि देने से ये वस्तु सत्यात्र होगी, यानी अपेक्षा से पर्याय का भेद असत्यार हो गया। समझ में आया, सूक्ष्म है भगवान, सूक्ष्म है प्रभु, तेरी लीला तो देखा। पर्याय में अनेकपना होने पर भी भगवान तेरी एक एक रूप चीज है, ये कभी अनेक में आई नहीं। समझ में आया, केवल ज्ञान की पर्याय में भी द्रव्य आता नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय में पूर्ण ज्ञायक भाव की प्रतीति ने उसकी जितनी सामर्थ्य है ये सब उसे ज्ञान पर्याय में आता है, उन चीज पर्याय में नहीं आती। जैन अग्नि को देखने से अग्नि की उष्णता का ज्ञान होता है यहाँ, पर ये उष्णता यहाँ नहीं आती। समझ में आया, एम अपनी पर्याय में लोकालोक जानते छते, पर्याय में लोकालोक नहीं आता एक बात, अने पर्याय में पूर्ण जानने की ताकत खिली तो उसमें द्रव्य नहीं आता। पर्याय में लोकालोक नहीं आता, मैं पर्याय में द्रव्य नहीं आता। एक समय की एक बार तो कहा था कि आज जगत में एक समय की पर्याय पूर्ण है, बस सारा द्रव गुण को जानती है, अनंती पर्याय को जानती है, लोकारोक सद्रव को अस्थि है मजे जानती नहीं, उसका पर स्वपर प्रकाश होने से जानती है, एक समय की पर्याय में सारा सब आ गया। छते द्रव्य आया नहीं उसमें, द्रव्य का ज्ञान आया। अभी बात है भाई, भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव एम्स कहते हैं संतो ये रीति है, जगत पासे बात मुक्त है प्रभु। भाई तेरे कर्म बहुत करना पड़ता, अंतर्मुख जहां सारी चीज है पूरी क्या तेरे दृष्टि मुकना पड़ेगा प्रभु। तब तेरी प्रभुता की तेरे प्रतीत होगी। समझ में आया, पर्याय तो पामर है। जानने की शक्ति हो भले पड़ी पामर, स्वामी का तक में तो ऐसा कहा है कि संकित दृष्टि को ज्ञान दर्शन चारित्री की पर्याय हुई, छता ये कहते हैं कि प्रभु मेरी पर्याय तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से पामर है। स्वामी का अर्थक मूल श्लोक है, समझ में आया, ये पर द्रव्य नहीं आकर पामर है। केम के एक एक गुण में ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय तो अनंती 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 पर्याय एक गुण में पड़ी है शक्ति रूप। ऐसा आनंद गुण जो है, आनंद गुण का एक रूप प्रभु भगवान द्रव्य स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से ये सच है और पर्याय ते दृष्टि का विषय नहीं,
माटी थी हसत है क्या करना के हूँ पड़ती नियम कित कित आम का आम करूं आम करूं आ, भाई स्व सन्मुख होना वो करना नहीं स्व नाम परिपूर्ण भगवान आत्मा उसका दृष्टि करने से आत्म स्वभाव तिखाड़ी का समीप जाकर आ समीप जाकर भाषा तो देखो टीका थी टीका है हिंदू भरत क्षेत्र में ऐसी टीका कोई है नहीं गजब बात है सर्वज्ञ अनुसारणी शास्त्र की रचना हो गई है ये आत्मा टीका का नाम आत्मख्याति है ना टीका का नाम आत्मख्याति है समझना तो आत्मख्याति यहां प्रसिद्ध हुई स्वभाव त्रिकाल है उसकी दृष्टि करने से आत्मा के स्थान कितना है उसी प्रसिद्धि श्रद्धा में आ गई यानी ज्ञान की पर्याय में उसका अग्नि कितना है ये आ गया ये राग की पर्याय में उसकी प्रसिद्धि नहीं आती समझ में आया राग पोती जड़ है अचेतन है ज्ञान का चेतन का अंश का अभाव है उसमें व्यवहार रत्न चाहे तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो पंचमावृत का परिणाम हो के शास्त्र ज्ञान हो विकल्पात्मक पर से पढ़ा पर राग अचेतन है ये तो बंद अधिकार में तो तहन कहा कि जितना शास्त्र ज्ञान है पर का ही शब्द ज्ञान है ये आत्मज्ञान नहीं ऐसा लिया है आज बंद अधिकार ये ज्ञान शब्द का ज्ञान है हम कहते हैं ये शब्द है ना उसमें शब्द निमित्त था ने ज्ञान तो भले अपने पर्याय में हुआ पर ये शब्द ज्ञान है ये आत्मज्ञान नहीं बंद अधिकार में है नव तत्व की श्रद्धा ये नव तत्व की भेद श्रद्धा है अपनी नहीं है उसमें अने छकाई की रक्षा का भाव ये छकाई जीव है ये पर है तेरी चीज नहीं ऐसा ध्यान दिया है बंद अधिकार आए तो इससे आगे बढ़कर पर्याय में जो गति आदि है और अन्यत्ता है इनाधिक दशा पर्याय में होती है सब पर्याय की दृष्टि से पर्याय है पर वस्तु की दृष्टि करने से अनुभव करने पर सम्यक दर्शन का विषय का अनुभव करने पर ये सब उसका विषय में आता नहीं तो ये अपेक्षा भूकार थे समझ में आया अरे आओ उपदेश अब शीरी क्या ना बोली तो ये भी बात है कि हम करो हम करो हम व्रत करो दया पाओ भक्ति करो है मंदिर बनाओ गिदर चलाओ ए गोदिका जी पैसा वाले ठीक दिखा है कहीं पैसा जीता तो है बापू क्या ही नहीं भाई ये पर की चीज कर सकते नहीं मंदिर कर सकते नहीं गजरथ आत्मा चला सकते नहीं रथ की क्रिया आत्मा कर सकते नहीं उसमें भाव होता है शुभ हो ये शुभ राग बंधन का कारण है कौन करा विद होता है हमें तो कभी कोई को कहा नहीं कहा करो मंदिर बनाओ ये भी हमें तो कभी कहा नहीं हाँ मकान भी बनाओ हमें तो कभी कहा नहीं स्वाध्याय मंदिर बनते हैं तो हमें कहा नहीं कि बनाओ मैं तो ऐसा कहा था कि तुम बनाते हो पर हमारी कोई विशेषता वितरागता बढ़ जाए तो हमको प्रतिबंध नहीं कि यहाँ रहना ही पड़ेगा हमारे पहले से कहा था हमें कभी कोई
मकान बनाओ कैसा, करोड़ों रुपया का मकान हो गया अभी यहाँ, कभी क्या नहीं करते हैं तो हम जानते हैं। यही रोक लिया क्या, रोक लिया मकान में, वो ये रुकी नहीं है। समझ में आया, अपना राग में वितरागता न हो, वो कारण से राग में रुक गया है, मकान के कारण से नहीं। ये भी बात से प्रभु सुन, यहां एक क्या भगवान निश्चल स्थिर प्रभु पुलिया से एक रूप, आदि अंत बिना अकृत्रिम अण करायेली चीज, पर्याय तो करता होता है भोगता होता है, ये चीज नहीं। टिकाली ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, अविचल भाव, विनाशी भाव, नित्य भाव, ध्रुव एक रूप भाव, सदृश भाव, सामान्य भाव, उसको देखने से, उसका समीप जाने से तेरे सम्यक दर्शन होगा, और समीप जाने से ये पर्याय सब अभूतार दिखेगी, उसमें आती नहीं। हा हा, समझ में आया, तीन बोल हुआ, अब स्पष्ट अनन्य नियत तीन हुआ, अवशेष चौथा, जैसे सोने का सोनू सोनू सुवर्ण, चिकनापन पीलापन भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से, इत्यादि गुण रूप भेदों से जानने करने पर, अनुभव नाम जानना करने पर, विशेषता भूतार्थ है कि सोना ना अनेक चीज चिकनापन आदि गुण है, ये विशेष से देखने से ही है, ये विशेष हुआ, गुणी ना गुण का भेद विशेष हुआ, विशेष देखने से है, उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं आता है, तो सोना की बात, उसकी दृष्टि से सोना नहीं ख्याल में आता है, समझ में आया, सोना का गुण भेद देखने से सोना ख्याल में नहीं आता। विशेषता तथापि तोपन जिसमें सर्वविशेष विलय हो गया है, चिकना पीला पड़ान सब विलय हो गया, एक किला सामान सोना देखने से, विशेष को न देखने से विशेष विलय हो गया है, जिसमें है नहीं सामान में, ऐसा सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव ज्ञान करने पर विशेषता भूतार्थ है, ये सोना नहीं विशेषता चिकना पड़ा झूठ है, एक रूप सोना में ये भेद है नहीं, समझ में आया, करो बोल चाहो हो दे। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से जानने पर विशेषता है, गुण भेद है, ये पर्याय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का ही विषय है। हा हा, तो भी जिसमें सर्वविशेष विलय हो गए, सर्व जी अव्यक्त में कहा है कि चैतन्य सामान्य में चैतन्य की विशेष व्यक्तियां सब अंतर्गत हो गई, गुरु की पर्याय को अंतर्गत हो गई, वर्तमान पर्याय बिंब बाहर रहे, तो वर्तमान पर्याय से देखने में भूत ने भविष्य की पर्याय चैतन्य सामान्य में घुस गई, अंदर में जल का तरंग जैसे जल में डूबत है, आते है डूब है, एम चैतन्य सामान्य में जितनी पर्याय हुई एक समय में रही बाहर व्यक्त, ताकि सब पूर्व भविष्य ने भूत की तो अंदर घुस गई,
ये गुण में अभेद रूपे हो गई। जैसे ज्ञान का सूक्ष्म जो है ये पर्याय है एक समय की अवस्था, दूसरे समय में ये अवस्था अंदर में चली गई। तो बाहर में तो एक सूक्ष्म दशा थी, अंदर गई थी सूक्ष्म रही नहीं, परिणाम ही हो गई। समझ में आया? नष्ट हो गई, पर गई क्या? नष्ट मुनि के सत्ता ने एक अवसर नहीं था तो क्या गई? वर्तमान में से गई है, सामान्य में गई है, बाहर नहीं तो पर्याय में नहीं है, अंदर में है। समझ में आया? ये वर्तमान दशा चाहे तो उदय के हो राग आदि के, ये एक समय रहती है, दूसरे समय तो वे होता है। वे होकर क्या गई? अस्थि ना, अस्थि था ना उत्पाद में ध्रुवयुक्तम अस्थि सत है, तीनों सत है, तो पर्याय में उदय की थी, सत थी। तत्पर सूत्र में तो उसको जीव तत्व किया में कहने में आया है, पहला अध्याय में राग आदि दया दान का विकल्प भी जीव तत्व एम कहा है। पर एक समय में रहकर दूसरे समय में चली जाती है, कहां? अंदर में, अंदर में विकार तो ले नहीं जाता, पर उसकी योग्यता अंदर में चली जाती है, परिणाम भाव हो जाता है। समझ में आया? ऐसे सूक्ष्म भाव की पर्याय एक समय की स्थिति है, दूसरे समय चली जाती है, क्या जाती है? अंदर में, तो अंदर में सूक्ष्म भाव की पर्याय रही नहीं, अंदर में गई तो परिणाम भाव की दशा हो गई। समझ में आया? एम क्षय केवल ज्ञान की पर्याय एक समय रहती है, दूसरे समय गई होती है, तो गई क्या अंदर? यहां तो क्षय भाव की थी, अंदर गई क्या परिणाम भाव हो गया? पर्याय रूप नहीं, गुण रूप हो गई, नहीं फेरफार नहीं, नीचे ही मैं तो फेरफार नहीं, व्यवहार वैसा कहने में आता है। पर्याय हम ऐसे निकले, पर्याय अंदर गई नहीं, बता भेद नहीं से। जब से भाई ये द्रव का स्वभाव अचिंत है, जैसे क्षेत्र का अंत है कहीं, लोक तो असंख्य जो जन्म है, पीछे अलोक आकाश कहां पूरा हुआ? पूरा हुआ तो पीछे क्या? भाई कोई अलौकिक स्वभाव है भाई, कहीं ना कहीं अंत है ही नहीं, ये मात्र कहना है। अंत है तो पीछे क्या? पीछे है कि नहीं कुछ अंत है भाई? यह तो अलौकिक बात मुझे बाबू, एक नास्तिक मानस था, बराबर नहीं था, पड़ते पर दीवान कर लड़का था, हमारे पास आया तो उससे थे, मैं भी बोले तब न कोई बात वैसे, तो एक बात मैं ऐसा कहता हूं, क्या क्षेत्र है? क्षेत्र कहां पूरा हुआ? विचार में तुम लो, एक क्षेत्र क्या पूरा हुआ? चौदह ब्रह्मांड तो असंख्य जो जन्म में पूरा हो गया, पीछे आकाश 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 आकाश, अनंत ने अनंत गुणा गुणकार करो तो भी उसका अंत नहीं। क्या चीज है?
कोई क्षेत्र स्वभाव भी कोई अलौकिक है। जाने अनंत ने अनंत पण तरीके जाने माटे अंत हो गया त्या ऐसा नहीं। अनंत ने अनंत तरीके जाना जाना माटे त्या अंत हो गया ऐसा है नहीं। ये गड़बड़ बहुत है। ये कल जैन दर्शन में सर्वज्ञ देखा ऐसा होगा तो पे नियत हो गया। अरे सुन तो सही प्रभु। सर्वज्ञ की पर्याय की निश्चय करना है वो स्वभाव सन्मुख होकर पुरुषार्थ अनंत है। पीछे दिखा ऐसा होगा। श्रीनिवास भाई जहाँ क्षेत्र नो स्वभाव ऐसा ख्याल काल नो स्वभाव कहां से शुरू हुआ। द्रविणी पर्याय कहां से शुरू पहली है पर्याय। द्रवी कहां से पर्याय पहली पर्याय कई अनादि 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 भाई कोई वस्तु का स्वरूप अलौकिक है ये तो जैन दर्शन में जानते हैं इनको तो खबर नहीं। तो वो काल की आदि नहीं क्षेत्र की अंत नहीं काल का अंत नहीं उससे भी अनंत गुणा क्षेत्र का प्रदेश अनंत गुणा धर्मात्मा मा का अनंत गुण का गुण गुण का अंत नहीं। क्या एक दो तीन अनंत 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 छिल्ला आया ऐसे है पर पहली पर्याय है ही नहीं तो कहीं तो कहा ना ये तो है ख्याल है सब पर तो सब आया है हमारे पास तो पहली पर्याय है नहीं तो पर्याय पहले कहां से देखे भगवान अनादि के है ऐसा अनादि के देखते हैं। आखिरी बात भाई प्रत्यक देखते हैं हनुमान के साथ भविष्य की पर्याय भूत की पर्याय वर्तमान है नहीं छता भगवान तो प्रत्यक देखते हैं। बापू ये कोई अलौकिक बात नहीं है। सर्वज्ञ की पर्याय भविष्य में अनंत काल पीछे होगी अत्यार है नहीं पर ज्ञान में ज्ञान है ऐसी प्रत्यक दिखते हैं ये है ये है नहीं दिखते हैं है क्या भविष्य में होने वाली प्रत्यक यहां दिखते हैं। बापू ये अलौकिक बात है भाई। क्षेत्र का स्वभाव काल का स्वभाव गुण का अनंत का स्वभाव कि कहीं तो हम तो युग का क्षेत्र का अंत आया आनंद गुण है तो क्षेत्र इतना में है पर उसकी भाव की संख्या की कोई हद नहीं। भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा है समझ में आया। यहां ये कहते गुण इतना है भेद अनंत 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 वो तो भेद की दृष्टि से गुण भले हो है? आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि एटले अनंत गुण रूप भेद गुणी में गुण रूप भेद अनुभव एटले ज्ञान करने पर विशेषता है भेद है पर्याय नहीं का विषय गुण भेद है गुणी का गुण भेद है। गजब बात है भाई। तथापि ऐसा होने पर भी जिसमें सर्वविशेष विलय हो गया है द्रव्य स्वभाव में गुण भेद विलय हो गया है भेद रहता ही नहीं अंदर में। गुण भेद की दृष्टि भी पर्याय नहीं का विषय है।
अने इतना मानना वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा होने पर भी आनंद गुण रूप भाव सत्यार्थ पर्याय दृष्टि से सत्यार्थ होने पर भी आ हा हा, अरे उसकी पर्याय जो एक समय की अनंत गुण की, तो आप पर्याय अनंत है ना, आप पर्याय अनंत की आखिर की है, ये कहां आया? क्या किया? आत्मा में जो अनंत गुण है, अपार 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 पार नहीं, जब क्षेत्र का पार नहीं, काल का पार नहीं, भाव की संख्या का पार नहीं, इतनी पर्याय है, जितना गुण है इतनी पर्याय है, अनंती पर्याय में आ अनंत 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 अनाथ छेली आखिर की पर्याय है, कहां आई उसमें? एक समय की पर्याय अनंत है, उसमें आ पर्याय आखिर की आखिर की आखिर की इनारा बदी अनंत अनंत है, कहां आया उसमें? अटणी जी आओ, मार्ग छे प्रभु नो भाई, एवा गुण भेद हो है, है? स्पष्टीकरण तो बहुत हो गया, वस्तु तो ऐसी है भाई, ये कोई करी नहीं, कोई करता है नहीं, आ चौथ ब्रह्मांड का सत है उसको करता कैसे है, उसको करता कैसे न हो उसको करता कैसे, समझ में आया? यहां कहते गुण भेद से देखने पर है तो पर जिसमें सर्वविशेष मिल गया, ऐसे आत्म स्वभाव के समय एक रूप गुण द्रव्य स्वभाव जेमा गुण भेद भी नहीं, आ हा हा, गुण भेद भी पर्याय दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का विषय गुण भेद है ही नहीं, आ सम्यक दर्शन का विषय एक रूप द्रव्य स्वभाव, उसका विषय गुण भेद नहीं, आ भाई सम्यक दर्शन का सामर्थ्य कितना शू कही, अनंत अनंत गुण भेद होने पर भी वस्तु का स्वभाव को देखो तो गुण भेद नाश हो गया, भेद है नहीं, ऐसी दृष्टि उसकी दृष्टि करना, आ ये दृष्टि में सामर्थ्य कितना प्रभु, कि एक इला अभेद अनंत गुण का एक रूप उसका ज्ञान हुआ पर्याय में, अने श्रद्धा में उसकी प्रतीत हुई, समझ में आया? ये बापू एनु नाम सम्यक दर्शन है, वाह आए तो हजी आ मैंने सम्यक दर प्रभु संतो से बापू, सम्यक दर्शन हुआ तो भव का अंत हो गया उसका, ये तो मुक्त स्वरूप अबध में आया ने, अबध ना मुक्त, अबध नहीं को कह मुक्त कहो, ये तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा आत्म स्वभाव की दृष्टि करने से एक गुण भेद ये अभूतार्थ है, अरे चैतन्य चमत्कार वस्तु से भाई, एक क्षेत्र नो चमत्कार देखो कहीं अंत नहीं, शू छे आ ख्याल में आप मुश्किल, काल का अंत नहीं, पर्याय का अंत नहीं, कि पहली पर्याय शू छे प्रभु, गुण का अंत नहीं, अनंत अनंत भाव क्या, अनंत 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 में आखिर का भाव ऐसा है नहीं, ऐसा द्रव्य स्वभाव जो है उसका समीप जाने पर भेद दृष्टि को छोड़कर भगवान पूर्णानंद का नाथ ऊपर समीप जाने पर, समीप जाने पर जो सम्यक दर्शन हुआ
प्रभु इतना कितनी ताकत है, कि सारा आत्मा अनंत अनंत गुण का पिंड एक उसको जिसने प्रतीत में लिया, प्रतीत में लिया, वस्तु आई नहीं उसमें। वस्तु एवी छे बापू, शू कही। अरे भगवान ना श्रीमुखे बाहर निकलेली वात छे। समझ में आया? एने माटे निवृत्ति लईने वांचन आदि विचार करीने निर्णय करना पड़े, प्रभु ऐसे नहीं मिल सके। एक पैसा हटू पण देश छोड़ी परदेश में रखड़े, यहां बाईड़ी नहीं छोकरा नहीं कुटुंब कोई न हो, मुंबई में वाली घर थी जाए बधु हो, इंग्लैंड में जाता है लोन हारे कोण हो, पूनमचंद हरे कोई क्या रखड़ा में बीजो हारे कोण रखड़े। ત્યાં આ તો બીજું કેવું છે કે પૈસાને માટે દેશને કુટુંબ છોડીને પણ જાય તો આત્માને પર્યાય છોડીને દ્રવ્યમાં જાના હે, વિશેષ વખત થઈ ગયું।